स्टूडेंट, मैं सबमरीज पब्लिक स्कूल से बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का मैथ पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आज आप लोगों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग के बारे में बताया जाएगा कि बैकवर्ड काउंटिंग क्या होता है और फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होता है। फॉरवर्ड काउंटिंग होता है जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर के बाद कौन कौन सा नंबर आएगा। आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग किस तरीके से लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बताना है कि फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ नंबर 1 में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ नंबर कुछ लिखे हुए हैं 2568। इसके बाद हमारा क्या होगा, आपका इसमें 5 नंबर तक हमें इसका फॉरवर्ड काउंटिंग लिखना है। 2568 के बाद हमारा क्या नंबर आता है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 2569। फिर इसके बाद हमारा कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा, इसके बाद हमारा आएगा 2570। फिर जस्ट इसके बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद हमारा नंबर आएगा 2571। इसी तरीके से इसमें हम नेक्स्ट को कंप्लीट करते जाएंगे नंबर को। ये नंबर हमारा हो जाएगा 2572। अगला नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 2573। इसी तरीके से आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ए में 1 से लेकर 5 तक, इसको आप लोगों को फॉरवर्ड काउंटिंग में ही कंप्लीट करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखा है, इस पर यहाँ पर दिया हुआ है आपका नंबर 8932। इसको हम लोगों को अगले 5 नंबर तक कंप्लीट करना है। यहाँ भी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाए और आप लोग इसको बना लें। तो जैसे 8932 के बाद क्या होगा हमारा 8933। फिर इसके बाद होगा हमारा नेक्स्ट अगला नंबर हो जाएगा 8934। इसी तरीके से हम पूरे नंबर को भर लेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी में आपका बैकवर्ड काउंटिंग है, उसको आप लोग को कंप्लीट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द नेक्स्ट 5 नंबर बाय काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम द गिवन नंबर। इसमें हम लोगों को बैकवर्ड काउंटिंग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर बी में नंबर 1 में दिया हुआ है 7035, इसका नेक्स्ट अगला नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ हमारा अगला नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 7036। इसमें हमारा बैक लिखना है, बैकवर्ड काउंटिंग है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7034। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 7033। फिर इसका नेक्स्ट हो जाएगा 7032। फिर अगला हो जाएगा हमारा 7031। फिर 7030। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसको भरेंगे। अब आपका नेक्स्ट अगला नंबर भी हम इसमें कंप्लीट करके आपको बता दे रहे हैं कि इसका बैकवर्ड काउंटिंग क्या होगा। हमारे यहाँ है 8273, तो आपका यहाँ हो जाएगा 8272। अगला नेक्स्ट हो जाएगा 8271। इसी तरीके से हम इस पूरे फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और आपका इसी तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ लास्ट में हमारा हो जाएगा 8268। इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे और बना लेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 1 का आप लोग क्वेश्चन नंबर ए और बी इसको कंप्लीट कीजिए कॉपी में। फिर अगला नेक्स्ट हम आप लोगों को अगला एक्सरसाइज पढ़ाएंगे और बताएंगे। थैंक यू।